हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीत मिनीटा। और मैं जानता हूँ यार, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और आज जैसा कि तुम लोग जानते हो, आज है 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे के लिए हम लोग स्पेशली आज यहाँ पे इंडिया का फ्लैग बनाने वाले हैं। और वैसे ना, ये इंडिपेंडेंस डे के लिए भी सेम ही आइडिया है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे पे कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद ना मैं इसको थोड़ा अलग करने वाला हूँ और इंडिपेंडेंस डे वाले को अलग रखने वाला हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी निकालते हैं, कंक्रीट निकाल लेते हैं, ब्राउन कंक्रीट, ठीक है, ब्राउन कंक्रीट निकाल के देखते हैं पहले। एक मिनट में सामान निकाल लेता हूँ। ओके, तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं बनाना, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स लिए हैं, और एक मिनट, सबसे पहले ना एक यहाँ से निकाल लेते हैं किसी एक जगह से, क्योंकि मेरे को क्या करना है ना कि इसको 3 सीढ़ियों की हाइट तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक, और यस, ये पूरा एकदम परफेक्ट बनाया है। देखो, इतनी माइनक्राफ्ट खेल खेल के इतना तो पता लग ही गया है मेरे को। वैसे यार 3 सीढ़ियाँ जहाँ ज़्यादा हो जाएंगी थोड़ी सी ऊपर, कोई बात नहीं, बाद में कम कर देंगे। 1, 2 और 3, और यहाँ से हर तरफ से ना यही करने वाले हैं। पहले काम करते हैं ऊपर वाली सीढ़ियों को, ऐसे ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये देखो एक उसकी रहने वाली है, एक हाइट विड्थ इनकी इतनी रहेगी फ्लैग से। अब इसी के नीचे नीचे से हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमको कैसे कैसे बनाना है। मैं इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट करके मिलता हूँ, फिर चेक करेंगे कि क्या ये सही बन रहा है। ओके, तो हमारा जितना बड़ा फ्लैग बनाने वाले हैं वो इतनी हाइट तक तो सही लग ही रहा है। तो इसके बाद पहले हम ग्रीन निकालना शुरू करते हैं। देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एक ना ऐसे फैंस लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि लगे कि हाँ फ्लैग ऐसे जुड़ा हुआ है। एक बीच में निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके। वैसे इतना खास नहीं लग रहा, चलो छोड़ो, उसके बिना ही बना के देख लेते हैं। वैसे भी मेरे को इसको थोड़ा सा बाद में चेंज करना है, पड़ सकता है इसको चेंज करना, तो उसके लिए मैं इसको बाद में और अच्छे से डिज़ाइन करूँगा। अगर यही अच्छा हुआ तो सेम डिज़ाइन। ओके ओके, तो फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्क्रीट्स निकालना शुरू करते हैं। मैंने ब्लैक कॉन्क्रीट ट्राई करके देखी थी, एक निकाल लेते हैं ग्रीन कंक्रीट या लाइम कंक्रीट, नहीं ग्रीन ज़्यादा सही है, ठीक है, ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर परफेक्टली ग्रीन नहीं होता। ये निकाल लो ऑरेंज, क्योंकि सैफ्रन तो होता ही नहीं है, इसकी जगह वाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि फेंसेस की अभी ज़रूरत पड़ेगी, फेंस गेट की बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी जगह ब्लू ले लेते हैं। इस सारे सामान के साथ हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, तो मैं हर एक को ना 3-3 की रखूँगा। वैसे ना यार, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा अगर मैं इसके साथ रखूँ इसको, क्योंकि ये ज़्यादा जुड़ा हुआ सा लगता है। एक थोड़ा सा नीचे से इसके ऊपर रख दो, हाँ ये ज़्यादा, देखो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक काम करते हैं, इसको ही रखेंगे, और मैं थोड़ा सा ना 3D टाइप इसको लुक देने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे को यहाँ से ऐसे निकाल के इसके इधर करके आगे से जैसे तोड़ देंगे, जैसे कि ना ये लहरा रहा हो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ कोशिश करूँगा, और हाँ 3-3 की देने वाले हैं हम हर एक को हाइट, अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ा तो हम कर देंगे, ठीक है। ओके, तो जल्दी से एक बार यहाँ पे हम कर लेते हैं वेदर को क्लियर, क्योंकि भाई बार बार बारिश आई जाती है। हो जा भाई, हो जा जल्दी। ओके, तो ये रहा हमारा इंडिया का प्यारा सा तिरंगा। वैसे इसकी ना हाइट थोड़ी सी कम रह गई है, यानी कि अगली बार जब मैं इसको बनाऊंगा ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाना है। वैसे तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, सच में थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन मैं इसको दोबारा बना दूंगा, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन करके इसको अलग से बनाने वाले हैं। और वैसे अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तुम कहाँ चढ़ रहे हो ऊपर। और तो तुम सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है। और हाँ, कमेंट्स के अंदर ना पूरे #हैप्पी रिपब्लिक डे ये सब स्पैम कर दो, ठीक है,
क्योंकि फिर ना अच्छा लगेगा ना, सब लोग एकदम प्यार से हैप्पी रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और ये देखो, ये दोनों साइड से ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आगे से भी और पीछे से भी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।